चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 to pi x साइन x। अब देखिए यहां पर है क्वेश्चन 0 to pi x साइन x। अब आगे जाके अभी इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, पर अभी हम प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, बाय पार्ट फॉर्मूला हम देखें तो क्या होता है। बाय पार्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड कंप्लीट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को जब हम बाय पार्ट से करते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। एक कि जहां जहां इंटीग्रल का साइन आ रहा है वहां पर हम लिमिट रखें, पर इसमें बहुत टाइम लगता है, तो हमारे लिए सबसे सिंपल तरीका यह होगा कि पहले हम इसका पूरा इंटीग्रल निकालें और बाद में होल लिमिट लें। मतलब अगर आई लेट से चलें तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। डेफिनेट में आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, क्या होगा बोलो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल, ये हो गया 0 to pi। ये सबसे सिंपल तरीका है। आप तीन बार लिमिट लगाएंगे तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। अच्छा, सेकंड थिंग कि जो इंटीग्रल यहां आता है हमेशा वही यहां आएगा, तो आप बार बार दोनों तरफ अलग ना सोचें। ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना जो रिजल्ट लिखे यहां वो यहां लिख दें डायरेक्ट। बोलिए क्या होगा, एक्स साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स। अब एक्स का वन हुआ, साइन का माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया और ये हमने बाहर लिमिट लिखी हुई है। अब क्या होगा, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 to pi। सबसे पहले पाई रखते हैं, पाई रखा तो माइनस पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई माइनस ऑफ, जब हम जीरो रखेंगे तो क्या होगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो, मतलब बेसिकली जीरो ही आएगा रिजल्ट। अब यहां पर भी जाए तो साइन पाई जीरो होता है, कॉस पाई माइनस वन, तो माइनस पाई माइनस वन इक्वल टू पाई। अभी आगे चल के इसके लिए और अपन एक मेथड सीखेंगे प्रॉपर्टी से, पर अभी हम बाय पार्ट से करना चाह रहे हैं, तो ये इसका एक सिंपल तरीका हुआ। ये तरीका हुआ कि पूरा मल्टीप्लायर से सॉल्व किया और बाद में लिमिट लगाई। कई बार आप बुक में देखोगे कि हर जगह लिमिट रखते हैं पर उसमें मिस्टेक ना हो, तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका हुआ, आपको यही यूज करना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 224 log x dx, क्या करेंगे, सेम अप्रोच, बाय पार्ट से करेंगे, वन का मल्टीप्लाई मान लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, log x इंटीग्रल ऑफ वन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। और ये कंप्लीट करने के बाद आप बस लिमिट लिख दीजिए, तो 224 क्या होगा, ये हो जाएगा x log x माइनस log x का 1/x, 1 का x, 224 x से x कैंसिल, x इंटू log x माइनस 1 dx, ये हो गया x log x माइनस x 224। सबसे पहले 4 पुट किया, 4 log 4 माइनस 4 माइनस ऑफ 2 log 2 माइनस 2। अब देखिए इसमें एक चीज और हो सकती है कि यहां पर 4 इसको log 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 4 माइनस 2 log 2 प्लस 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा log m पावर n से, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ log 2 माइनस 2 log 2 माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2। फाइनली इस ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ log 2 माइनस ऑफ 2। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन में आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्वेश्चंस करोगे, जब आगे जाके प्रॉपर्टीज भी हम लगाएंगे तो ये मेथड बहुत यूजफुल होगा। इस मेथड का अगर हम बेसिक कंसेप्ट समझें, सपोज ए टू बी एफ एक्स इन टू एफ डैश एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए। करना क्या है, सिंपली एक फंक्शन है, एक उसका डिफरेंशिएशन है। आपको फंक्शन को एज्यूम कर लिया आपने, सपोज टी,
एफ एक्स इक्वल टू आपने लिया सपोज टी, डिफ्रेंशिएशन किया क्या होगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या होगा आप ऐसा लिख सकते हैं ए टू बी इसको टी इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको टी की वैल्यू रखना है, पर इसमें बहुत कॉमनली मिस्टेक हो जाती है, तो एक चीज याद रखिए अभी ये लिमिट एक्स के लिए थी, जब हम फंक्शन टी लें तो लिमिट को भी टी के टर्म में कन्वर्ट कर दें। वो कैसे करेंगे, जब लोअर लिमिट ए है मतलब इफ एक्स इक्वल टू ए तो बोलिए टी क्या हो जाएगा, यहां पर रख दिया तो एफ ए इक्वल टू टी। सिमिलरली अपर लिमिट रखी एक्स इक्वल टू बी तो एफ बी इक्वल टू टी। यानी ये क्वेश्चन कुछ हमारा इस ढंग से हम लिखें, इसकी जगह हम अगर ये लिखें तो ये गलत नहीं है, पर इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें टी की वैल्यू पुट करनी होगी। हम अगर ये लिखते एफ ए टू एफ बी टी इंटू डी टी तो एक फायदा होता कि हमें आगे जाके टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी होगी। तो आप हमेशा लिमिट को भी जिस वेरिएबल के टर्म में ले रहे हैं लिमिट भी चेंज कर लें तो मिस्टेक नहीं होगी। क्वेश्चन से अभी और क्लियर हो जाएगा, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0 टू पाई बाई टू सपोज साइन पावर 5x। क्या क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई टू साइन पावर 5x। वैसे आगे जाके इसको आप रिडक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते थे, इसका आंसर होता 4 इंटू टू अपॉन 5 इंटू थ्री 8 बाई 50। पर अभी अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझें तो क्या करते, देखिए 0 टू पाई बाई टू मैंने लिखा साइन पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब क्या होगा साइन पावर 4x को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, ओ सॉरी इसको लिखा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 0 टू पाई बाई टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे कॉस एक्स को टी माने तो उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा, तो लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट भी यही चेंज कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। लिमिट कैसे चेंज करोगे, इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन टी इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू जीरो रखी टी वन मिल गया, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू देन टी इक्वल टू जीरो कॉस पाई बाई टू जीरो। तो यानी ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट होके कुछ इस फॉर्म में आ गया। देखिए जीरो पर कितनी लिमिट है वन और पाई बाई टू पे जीरो, कॉस को टी माना तो वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस डी टी है, याद रखिएगा ये माइनस उधर ले गए तो हमने इंटीग्रल के बाहर माइनस लगा दिया। अब यहां पर लोअर लिमिट बड़ी है अपर छोटी है, एक माइनस से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बट अभी हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, अभी ऐसे ही रहने दो, जब हम प्रॉपर्टी पे आएंगे जब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब बोलिए इसको ओपन किया स्क्वायर को तो क्या होगा वन टू जीरो वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी पावर फोर इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रल हमें पता है, क्या लिखेंगे बोलिए टी माइनस टू टी क्यूब बाय थ्री प्लस टी पावर फाइव बाय फाइव वन टू जीरो। सबसे पहले मैंने ये ध्यान रखिए माइनस रहने दीजिए, जीरो रखा तो ओवरऑल रिजल्ट जीरो, माइनस वन रखा वन माइनस टू बाय थ्री प्लस वन बाय फाइव। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया वन माइनस टू बाय थ्री प्लस वन बाय फाइव, एलसीएम आया 15, 15 माइनस फाइव टाइम कैंसिल 10 प्लस 3, 18 माइनस 10 8 बाय 15। आप ध्यान दो हमने पहले डायरेक्ट भी लिखा था, तो जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो मैं अभी आपको जो शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा आप उससे करोगे, सब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते थे, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स 3 प्लस साइन एक्स, पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, सबसे पहले आप क्या करोगे साइन एक्स को टी लिया डिफरेंशिएशन किया कॉस एक्स डी एक्स
इक्वल टू डी टी, यस और नो, लिमिट भी कर दी, एक्स वैल्यू जीरो तो टी साइन जीरो जीरो, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू तो टी की वैल्यू वन, साइन पाई बाई टू वन हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसा लिख सकते थे, जीरो टू वन डी टी अपॉन टू प्लस टी इंटू थ्री प्लस टी। पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो कुछ ऐसे बनेंगे, वन अपॉन टू प्लस टी माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टी, मेंटली भी कर सकते थे, सिंपल क्वेश्चन था। एलसीएम लेंगे तो थ्री प्लस टी माइनस टू माइनस टी तो वन बचेगा, मतलब बैलेंस है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रल लिखूं इसका तो क्या होगा, बोलिए, लॉग टू प्लस टी माइनस लॉग थ्री प्लस टी जीरो टू वन। अब लॉग एम बाय एन पहले लिख लें इसमें, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ टू प्लस टी अपॉन थ्री प्लस टी जीरो टू वन। सबसे पहले वन रखते हैं, जब वन रखा तो क्या होगा, लॉग ऑफ टू प्लस वन थ्री बाय फोर माइनस लॉग, जीरो रखा तो टू बाय थ्री। अब एक और लॉग की प्रॉपर्टी आप याद रखिए, लॉग की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो होती है, तो लॉग एम बाय एन दे जाएगा लॉग थ्री बाय फोर अपॉन टू बाय थ्री, थ्री ऊपर जाएगा टू नीचे, मतलब फाइनली लॉग नाइन बाय एट। लॉग नाइन बाय एट इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीरो टू वन एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर सपोज थ्री बाय टू। अब देखिए आपको पता है टेन इनवर्स एक्स को अगर हम टी माने तो उसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये उसी फॉर्म में, बट पावर थ्री बाय टू दी है तो पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें। टू वन एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहां पर, ये क्या हो जाएगा बोलिए, आपने यहां पर टेन इनवर्स एक्स को टी ले लिया तो एक्स कितना मिलेगा, यहां से हम चाहे तो एक्स भी निकाल सकते हैं, एक्स हो गया टेन टी, एक्स भी लगेगा। अच्छा डिफरेंशिएशन किया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी इस पूरे को डी टी लिख दोगे, एंड लिमिट भी हम निकाल लें, जब एक्स जीरो है तो टी जीरो है, और जब एक्स वन है तो टी पाई बाई फोर है। तो ये क्वेश्चन कुछ कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आया, जीरो पर जीरो, जीरो पर जीरो, वन पर पाई बाई फोर, यहां पर हो गया एक्स की वैल्यू हो गई टेन टी, तो टेन टी इंटू टी अपॉन, अपॉन नहीं होगा यहां पर, ये अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टी की पावर हाफ इंटू डी टी, ये फाइनल स्टेप बनी। अच्छा वन इसको अंडर रूट लिख लो चाहो तो, अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो टी टेन टी अपॉन सेक टी डी टी। अब साइन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस लिखा तो ये हो गया जीरो टू पाई बाई फोर टी इंटू साइन टी। अब आप चाहें तो इसको बाय पार्ट से कर सकते हैं, क्वेश्चन हमने इस तरह का ऑलरेडी करा हुआ है, ये हुआ माइनस टी कॉस टी, कॉस टी का फिर होगा तो साइन टी, जीरो टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर रखा तो माइनस पाई बाई फोर वन बाय रूट टू, इसका वन बाय रूट टू हो गया, साइन पाई बाई फोर वन बाय रूट टू, जीरो रखा तो ओवरऑल जीरो, चाहो तो इसमें वन बाय रूट टू कॉमन ले लो तो नेट रिजल्ट आएगा वन माइनस पाई बाई फोर, वन माइनस पाई बाई फोर। याद रखना यहां पर एक्स की जगह रखा टेन टी, यहां रखा वन प्लस टेन स्क्वायर टी, अंडर रूट के अंदर है वो, ये पूरा डी टी हो गया, तो टी टेन टी अपॉन रूट वन प्लस टेन स्क्वायर टी।